वो तो चले गए लेकिन यादें पीछे छोड़ गए। सिद्धू मूसेवाला का नया गाना आया जी, अभी और भी बहुत सारे होंगे मुझे चाहिए कि रिलीज करते रहे, तो आज जो गाना है वो है SYL जी, इसका मतलब है सतलुज यमुना लिंक कनाल। अच्छा आपको पता था, मतलब मुझे नहीं पता था। तो ये वो कनाल होगी ना जो पानी देती होगी खेतों को इनके गाँव से गुजरती होगी, मेरा ख्याल है उसके बारे में। देखते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पे पढ़ना, ये मैं भी पढ़ने लगा था कि किन्होंने लिखा और किस तरह से, तो वो सारो कंपोजर भी वो खुद थे और लिखा तो उन्होंने खुद ही हुआ था, गाया भी खुद ही हुआ। चेक करते हैं, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी। So the most, yeah, baby. Yeah. Mercy. Sanu sada bicho karta hai sada lana de dio. Oh, Chandigarh hai Himachal te Haryana de dio.
से इस तरह के गानों से तो लगता है कि जो बातें आजकल हुकूमत ने मरवाया या सियासतदानों ने, क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी बातें अभी पता चली हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखी जा रही है, कहा जा रहा था कि बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि हुकूमत ने खुद भी इसमें कोई अमल दखल है उनका भी, क्योंकि जिस तरह का असलाह बरामद हुआ या कहा जाता है कि जिस तरह की गोलियां उनको मारी गई हैं और जिस तरह से मारी गई है वो आपसी दुश्मनी के लिए होती है या किसी को इतना भी नहीं होता। जो भी आवाज़ उठाए और हुकूमतें डर जाती हैं, उन्हें पता होता है कि इनके साथ लोग निकल आएंगे, बाहर आएंगे, और वो शुरू से जो बात की है कि हमारा चंडीगढ़, हिमाचल और हरियाणा भी हमें दे दो, क्योंकि जिस वक्त पार्टीशन हुई है उस वक्त आधा पंजाब तो इधर आ गया पाकिस्तान की तरफ, लेकिन दूसरा जो उधर था उसको भी बाद में उन्होंने चार टुकड़े कर दिए, मतलब एक हिमाचल बना दिया, एक हरियाणा बना दिया और चंडीगढ़ को कैपिटल बना दिया उसका, दोनों का, हरियाणा का और पंजाब का। तो वहाँ यानी पंजाब की बंड और ज़्यादा हो गई, मतलब और टुकड़े हो गए उसके। तो अब जो पानी मिल रहा था सतलुज की तरफ से, जो नहर है उनकी यमुना लिंक कनाल जो है, यानी उसका पानी भी रोक दिया गया किसानों को जो थे, इसलिए वो हड़तालें करते हैं और किसान जाके वहाँ धरने देते हैं और वो खुदकुशियाँ भी की, 400 से ज़्यादा जाने जो हैं वहाँ उस धरने के दौरान भी किसानों ने जो है खुदकुशियाँ की उनके लिए, तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे थे अपने हक के लिए। और बाकी सारे उन्होंने इसमें तो इतिहास सारा बताया है, जनरल डायर तक को मारने वाले जो थे वो सरदार थे, और भी बहुत सारे हैं जितनी तस्वीरें हमें तो शायद उन लोगों के बारे में इतना भी पता नहीं। 1984 में जो कुछ लोकल हीरोज होंगे जो जिनका तहरीक थी, जिनका नाम शायद मेरे ख्याल में बॉर्डर पार तक नहीं जा सका या और दुनिया तक नहीं फैल सका, कुछ तो गिने चुने हैं जिनका ये पूरी दुनिया में नाम फैला है ना, लेकिन बहुत और भी है जिन्होंने चाहे थोड़ा हो चाहे छोटा हो कहीं ना कहीं अपना किरदार। मरल सिद्धू अमर है जो लिखता था वो भी कमाल, और झुकाया उसने हमेशा वो भी कमाल। ये लेकिन इससे मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि अगर इस तरह के गाने थे और ख़ास तौर पे जो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कुछ प्लान्स थे बन रहे, अभी उस पर अमल होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन शायद मेरे ख्याल में यही थे जो उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे थे और चाह भी रहे थे कि ये चीज़ें हों, जो 2024 का भी बताया उन्होंने, 2023 का बताया, 25 का मेरे ख्याल में कुछ इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स थे, जो पानी ये डिस्ट्रीब्यूशन थी वो मेरे ख्याल में और कम होनी थी, नहीं कम होनी थी या फिर करवा रहे थे कि किसी तरह से वो बिल पास हो के आया जाए या लाया जाए जो इनका हक है। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा बाकी आवाम को भी, क्योंकि ये हिस्ट्री में देखा गया है आज तक, ये एक इनका तरीका वारदात रही है कि जितनी भी आप बीच में तफरका डाला जाए ताकि एक जैसे कहते ना कि एका ना हो सके, ताकि वो जो ताकत होती है आपकी वो है ही एके में, जो अंग्रेज दे गया हुआ है डिवाइडेड रूल, तो वो जो चार हिस्से आपने वहां पे कहा यही वो करके गया हुआ है डिवाइडेड, वो इधर भी है उधर भी, हर तरफ है वहां पे भी अभी आप देख रहे हैं। और खास तौर पे ये जो इन लोगों की मैं सियासतदान हो गए, फौजी हो गए, सारे सबकी मैं सबकी बात ही करूंगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी बस हुक्मरानी रहे हर चीज रहे, इसी वजह से वहां पे एक लफ्ज भी जो गलत इस्तेमाल होता है उस खत्ते में कि हकूमत, गवर्नमेंट को उन्होंने नाम ही ये दे दिया है वहां पे हकूमत होती है, यानी और कोई लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। अंग्रेजी का जो गवर्नमेंट है उसका मतलब हकूमत नहीं है, गवर्न करना जो है वो हकूमत नहीं होता, लेकिन वहां पे हुक्मरान है, हकूमत है, हाकिम है, और उसका साथ देते हैं ये फौजी। पूरे खत्ते में ही बाहर कहीं पे जाके वो लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने लोगों को मार देते हैं। अब इसमें भी अगर इंटेलिजेंस का साथ ही होगा ना, जिन्होंने असला बरामद किया, मारा, सारा कुछ किया, अब वो बेचारे किसी को एवी बिला वजह मार भी देंगे, इल्जाम लगा के जी वो भी पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया, वो भी पकड़ा गया जी, हाँ जी वो भी हमने पकड़ लिए, एक मिनट भी लगा, हमने वो सारा कोई नोट भी लिया और उसको हमने जस्टिस भी मिल गई, सारे वो भी सुकून में आ गए। मैं सिर्फ आवाम से ये कहना चाहूंगा कितने और लोग मरवाएंगे और तब जाके आप लोग निकलेंगे, अगर किसानी पे या सारी चीजों पे अगर इकट्ठे होकर निकल सकते हैं तो ये चीज भी आपका ही है, किसी लीडर की, किसी भी बड़े आइकॉन की या किसी आइडल की जरूरत नहीं होती कि वो आप
आप उसके पीछे लग के वो आगे बढ़े और आप करें, आपका अपना मसला है, इंफरादी हर इंडिविजुअल का एक एक जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आवाज़ उठाए। और अगर आप लोगों का मसला है कि पंजाब में पानी का मसला हो रहा है, सभी इकट्ठे हो जाओ, निकलो खालिस्तान अगर आप चाहते हो, इकट्ठे होके कल्ला कल्ला बंदा, ये नहीं कि मेरी के इंतज़ार करें कि एक और कोई सिद्धू आएगा, और कोई जितने भी इन्होंने नाम लिए, जितने भी शहादतें दिखाई हैं, वो सारे आएंगे और मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे हो जाते हैं, वो बेचारे मारे जाते हैं। गद्दार भी तो बीच में से निकलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना कि वो सारे वो बेचारे वो ही आगे हो जाते हैं, वो ही मारे जाते हैं, क्योंकि वो नुमाया हो जाते हैं। अब इस बेचारे का मुझे बताएं, अच्छा भला लिखारी था, अच्छा भला गवाही, गाना, आवाज, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ एक समाज समाजी आवाज बनाया वो कि चलो यार लोगों के मैं बेहतरी करूं, करूं अपने के काम, अपना उसका जाती शायद कुछ था भी नहीं, पैसा भी कमा लिया, सारा कुछ हो गया, वो चाहता किसी भी, वो ना पॉलिटिक्स में आता ना किसी से, आराम से कनाडा वगैरह किसी दुनिया में जाके आराम से बैठा होता, कोई उसे हाथ लगा सकता था, कोई भी उसे कुछ भी ना कर सकता था, वहां पे ही रहा है, खेतों में ही रहा है। और यहां से हिसाब लगा रहे जो जिस दिन वो निकला ना, उसने कहा यार मैं आराम से उसे जा रहा हूँ, जाके मैं, ये क्यों एतमादी थी उसको यार, अपने अपने गांव में हूँ, अपने घर के पास हूँ। कसूर वाले तो सारे सब गांव वाले हैं अगर मैं देखा जाए तो। ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जिस पे उन्होंने उसने यानी कि इतना एतमाद था कि यार मेरे क्या होगा, मेरी अपनी गली, मैं यहीं पे पला बढ़ा। बारह ये सबका है, सबकी जिम्मेदारी है, दार भी फिर अपनों में से निकल आता है। मैं ये पर्सनली जरूर चाहूंगा, यहाँ पे ये जरूर कहता हूँ कि अल्लाह करे ये ख्वाहिश हो सकती है, वो तो चले गए हैं, उन्होंने वापस नहीं आना, काश ऐसा कभी जिंदगी में मुमकिन होता, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। कि इनके कम से कम 100 गाने तो हो जो अभी तक नहीं रिलीज हुए हुए, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, ताकि वो होते रहे और सुनते रहे। कम से कम 10 साल जो उन्होंने उनके वालिद ने वादा किया ना कि कम से कम 10 साल तक मैं उनकी याद ताज़ा रखूंगा, उसके लिए 100-200 गाना लाजमी होना चाहिए जो आता जाता रहना चाहिए। उनके वालिद को जिंदगी थी, सेहत थी, ताकि वो इस याद को हमेशा जमा चलाए रखे उनकी याद की। चले बहरहाल बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं और भी बहुत सारे गानों की, हमसे जिस तरह जो जो जैसे भी बन सकेगा हम बना रहे हैं, और देखें ये भी गाना और समझने वाली बात है, जिसको समझ आए आए, बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।